हेलो फ्रेंड्स, मैं चलो आप सबका स्वागत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आप सबको बता दूं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। मेरा जो कैमरा नहीं है, आगे का कैमरा एकदम बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। आज मैं उसी कैमरा को बनाने के लिए जाने वाला हूँ दुल्हाजान पे। अगर दुल्हाजान पे नहीं मिला तो शायद से मैं तीनसुकिया जाने वाला हूँ या शायद से नहीं जाने वाला हूँ। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो चलिए गाइस चलते हैं दुल्हाजान। उससे पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि मैं कैमरा क्या हुआ है हालत। तो गाइस देख सकते हो कैमरा का हालत क्या हो चुका है। पीछे से देख सकते हो पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर मतलब वो क्या बोलता है वाटर प्रूफ किया था, मतलब पानी पे घुसाड़ा था ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी हो चुका है। सो गाइस इस कैमरे को बनाने के लिए मैं जाने वाला हूँ दुल्हाजान पे। सो गाइस सभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आप देख सकते हो मौसम का हालत कुछ इस तरह का है। एंड उधर पर देख सकते हो ब्रिज भी है। और अभी हम दोनों चल के जा रहे हैं दुल्हाजान। एंड मैंने सोचा कि यहाँ से एक साइकिल निकाल लो, अपने मतलब मेरे पिताजी का भैया है ना, तो उनके घर से मतलब साइकिल निकाल देता है कि नहीं है देखना पड़ेगा, वरना तो पैदल ही चलना पड़ेगा। जो ये रहा साइकिल, एंड इस साइकिल में हम लोग दोनों जाने वाले हैं। एंड मैंने क्या बताया दीदी को साइकिल मांगते वक्त वीडियो नहीं बनाता है। अगर मैंने वीडियो बनाई ना, उन लोग सोचता है कि मैं देर से आ गया इसलिए मेरे को साइकिल नहीं देते, इसलिए मैं उनके सामने वीडियो नहीं बनाता है। अभी पहुंच गए अपने टाउन भदोई पांच सली में देख सकते हो। एंड यहां से हम लोगों को टैक्सी पकड़ लेना पड़ेगा, डायरेक्टली जाएगा दुल्हाजान पे। तो देख सकते हो यहां पे गाड़ी है, जितना भी सारी गाड़ी है ना वो सब लोग दुल्हाजान जाता है। एंड दुल्हाजान जाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपये लेगा। यहाँ से कोई से भी टैक्सी पकड़ने से भी हो जाएगा, डायरेक्टली आपको दुल्हाजान लेके जाएगा। सो गाइस अभी हैं दुल्हाजान ऑयल टाउन पे। एंड मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त को मैंने पूछा कि दुल्हाजान पे यहाँ पे आईफोन सेंटर है कि नहीं है आईफोन रिपेयर करने वाला, तो उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी एक भी सेंटर नहीं है जहाँ पे आईफोन बनाए, मतलब ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पे आईफोन रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एंड्रॉयड का करता है ना। तो सो गाइस अभी जा रहा हूँ हम लोग डायरेक्टली 300 पे रिपेयर करने के लिए। सो गाइस दुल्हाजान पहुँच चुके हैं देख सकते हो। एंड अभी जाने वाले हैं टीडी मार्केट, जहाँ से मैंने फ़ोन खरीदा था वहीं पर बनाने के लिए जाने वाला है। मैं आईफोन का कैमरा नहीं है, उसी को मैं टीडीआई मार्केट में ही बनाने वाला हूँ। एंड इस तरफ चलते हैं। सो गाइस टीडीआई मार्केट में इस साइड से भी जा सकता था, उस साइड से भी जा सकता था, लेकिन मैं उस साइड से नहीं जा रहा, मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ, या इधर से जल्दी होगा ना इसलिए। और यहाँ पे मतलब बड़ा सा, इतना बड़ा सा जाने में पैसा ज़्यादा लेता है। मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मेरे पास पैसा है ही नहीं। अब इस यहाँ तक आने के लिए पैसा दे दिया है, अब जाने के लिए होगा या नहीं होगा पता नहीं है। सिर्फ 150 रुपया है, 150 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आगे की तरफ चलते हैं। एंड सो गाइस यहाँ पे जो ना एरिया है ना, ये सब एरिया है ना, इसमें ज़्यादातर मतलब भाड़ा घर है। यहाँ पे मतलब कोई मतलब ड्यूटी करने के लिए आता है ना, या कोई नौकरी करता है, ऐसे घर पर रहता है सबसे ज़्यादातर। तो देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे भाड़े का घर है। और अभी जाना पड़ेगा इस साइड से, आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पीपल का पेड़ मतलब इधर जाना नहीं है, इस साइड पे जाना है। उधर से जाने के बाद आप सबको मिलेगा रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे जो ट्रैक नहीं है उससे पार करना पड़ेगा, जो रेलवे ट्रैक है ना वो इस साइड पे है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, इसको पार करना पड़ेगा। और इसके मतलब इसको डायरेक्टली पार करने के बाद इस साइड पे जाना है। ओके पार कर लेते हैं, अभी तक खोला नहीं है। चलो चलो चलो, ट्रेन नहीं है अभी, चला गया इस साइड।
गाइस कैमरा क्लीन कर चुका हूँ एंड मैं अभी हूँ अपने टी डी आर मार्केट में ही हूँ। देख सकते हो यही मॉल है, एकदम पूरा बड़ा है। जो टी डी आर मार्केट है ना, मतलब जहाँ पे फ़ोन हम लोग बनाते हैं रिपेयर, वो 2 फ्लोर पे ऊपर पे है ना, वहीं पे हम लोग मतलब फ़ोन बनाते हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारे सेकेंड हैंड फ़ोन है जहाँ पे आप लोग खरीद सकते हैं, और आईफोन ज़्यादा सेकेंड हैंड नहीं है, थोड़ा थोड़े। और आप देख सकते हो यही है टी डी आर मार्केट। और गाइस अभी जा रहा हूँ मैं स्टैंड ख़रीदने के लिए, एंड मैंने जो स्टैंड था ना मैंने नया ख़रीदा था, मेरा मतलब भाई ने फ़ोन ख़राब कर दिया ना, इसलिए मैंने गुस्सा आया, मैंने सब स्टैंड तोड़ दिया और रिंग लाइट था वो भी तोड़ दिया। अभी मैं रिंग लाइट नहीं खरीदने वाला, सिर्फ स्टैंड ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ इधर। छोटा नहीं होगा छोटा होगा, इसमें सब मोबाइल। इससे थोड़ा अच्छा नहीं है ना, इससे अच्छा वाला नहीं लगेगा उसमें, दूसरा देखना, दूसरा टाइप का होगी। हाँ ये वाला ठीक है, तो ये वाला लगेगा कैसा? ये वाला ऐसे टाइट होगा, ऐसे लगेगा। इसको लगाने जाएगा तो 250 रुपया का वो कोर अलग से लेना पड़ेगा। ये लेने से ये वाला 250 रुपया दाम है, ये लेना पड़ेगा तब जाके होगा। ये स्टैंड में लगेगा, ये तो उसमें लगेगा। बेटा 850 का था ये दोनों, सिर्फ एक्स्ट्रा है ना? ये दोनों एक्स्ट्रा है। और डेल्टन ले लो पूर्व 1200 का भाई साहब, 500 रुपये स्टैंड दिखाना। ये स्टैंड थोड़ा है तगड़ा है, तगड़ा स्टैंड थोड़ा सा, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है यार। नॉर्मल इसका कितना बोला था? 500 एक का। सब मिला के कितना बोलना? 500 कितना कितना भाई? कितना सब मिला के? सब मिला के ये और सब मिला के 650 500 और 150 650 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
थोड़ा थोड़ा सा कम, 50 50 तो कर दिया कम। एक बार लगा के देखते हैं, कुछ लोग सेट होने दो, एक बार लगा के देखते हैं। पकड़ तो क्या कर रहा है। साढ़े 600
जैसे तैसे खरीदा है, देखो इतना मेहनत से खरीदा है, गिर गया फट गया तो मैं खत्म, पैसा नहीं है मेरे पास, एक रुपए भी पैसा नहीं है। और इधर यह देखने से फोन जैसा लगता है ना, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक सच में देखने से असली फोन जैसे दिया देखने, रियल जैसा फोन पर प्लास्टिक का है। कोई भी चोर समझ लेगा कि ये नया है, उठा के लेके चला जाएगा। 700 रुपया, इसको 500, और कहाँ गया 100 रुपये, इधर 100 200, 700 रुपये कितना होता है पता है ना। गाइस एक बात बोलना था कि ये स्टैंड जो है ना, उसको 500 रुपये लिया हा? और उसके साथ एक नहीं होता है क्लिप होता है ना, मुँह फोन पे लगाता है, उसको बोला 150 रुपये, एंड उसका सबसे छोटा नोट होता है ना उसको भी 150 रुपये बोलता है। बुढ़ा बहुत चालू है, एकदम डेंजर चालू है वो अंकल। यार पहले बोला हाँ टोटल 700 रुपये बोला, मैंने 700 रुपये दे दिया, फिर 150 रुपये बोलता है, कहाँ से देखना चालू है वो। एंड मैं अभी जा रहा हूँ घर पे, घर पे जाने के बाद मैं रिंग लाइट लगा। तो गाइस अभी जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, आगे का कैमरा है, जो कैमरा ख़राब हो गया था उसको बनाने के लिए 1500 रुपया, उसके साथ मेरा जो टेम्पर नहीं है उस टेम्पर को फ्री पे लगाया है, उसका टेम्पर का मतलब पैसा नहीं लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैमरा था वो मतलब ज़्यादा पानी हो चुका था, उसको साफ़ करने के लिए ज़्यादा मिनट नहीं लेता है, सिर्फ 36 मिनट में हो जाता है। एंड उन लोग ऐसा करते हैं कि मतलब ऐसा जो हम लोग फ़ोन बनाते हैं ना, फ़ोन बनाते वक्त मतलब हम लोग वो नहीं दिखाते, वो बनाने को बहुत ईजी है, मतलब बहुत ही इजी है ना, इसलिए आईफोन है बोल के 1500 लेता है। कैसे एक बार हजम नहीं होता है मुझे, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन का जो कैमरा साफ करना होता है वो ज़्यादा पैसा नहीं होता है, सिर्फ 200 लेता है। एंड मुझे ऐसा किया कि मतलब 1500 कैसे ले सकता है यार आईफोन बोल के ना, ये लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही सर पे उठ जाता है, 1500 लिया है। उसके साथ टेम्पर जो था ना वो उसने फ्री दे दिया, मेरे पास मतलब इतना पैसा नहीं था इसलिए उसने दे दिया। अब देख सकते हो गाइस अभी मैं घर पे हूँ, आप सबको अभी दिखाता हूँ मेरा पर्दा और स्टैंड। मैं मतलब पर्दा और स्टैंड इसलिए ख़रीदा था कि मैं इंस्टाग्राम का वीडियो बना सकूँ एंड यूट्यूब का, जब मतलब ऐसे हो जाए कि किसी ऐप का बने बारे का ऐप का बारे में बता रहे हैं तो उस टाइम मतलब मैं पर्दा यूज़ करने वाला है, इसलिए मैंने पर्दा ख़रीदा। चलिए आपको मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा सेटअप दिखाता है। सो गाइस मेरा जो पर्दा सेटअप है ना, मैंने अपने घर के अंदर बनाया, देख सकते हो यहाँ पे पर्दा है। और जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना तो इस चीज़ को मतलब ये डोनअप नहीं है, इस डोनअप को मैं साइड कर लेता है, उसके बाद मैं वीडियो शूट करता है। और स्टैंड देख सकते हो, स्टैंड इधर तो पे है, यहाँ पे स्टैंड, और यहाँ पे एक तरीके टूट गया, क्या नहीं टूटा देख सकते हो, यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे मैं फ़ोन लगाता है, फ़ोन लगाने के बाद इसको यहाँ पे लगा रख देता हूँ, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से मैं वीडियो शूट करता है, इधर से वीडियो शूट करता है पर्दा में, इसको हटाने के बाद। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे काला पर्दा ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर यूज़ किस लिए करता है पता है, मतलब यहाँ पे वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो बनाते वक्त उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन वीडियोज़ ज़्यादा बनाने के लिए ऐसे पर्दा यूज़ करते हैं। एंड मैं भी ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि मुझे ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने पर्दा खरीदा और ये स्टैंड खरीदा। एंड मतलब दूसरों का जो सेटअप होता है ना तो वो थोड़ा सा अलग है, उन लोगों का इस पे लाइट होता है उस पे लाइट होता है, क्योंकि उसके पास पैसा है ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और इन दोनों को ख़रीदने में ज़्यादा पैसा नहीं रहा, सबसे ये 300 और ये लिया 600 रुपये। और वो जो दुकानी था ना वो बहुत ही चालू है, हाँ वो एक एक का पैसा लेता है। और मैंने जो मतलब नया स्टैंड खरीदा था नया, उसके साथ रिंग लाइट खरीदा था, रिंग लाइट खरीदा था ना मैंने, वो तोड़ दिया, ये देख सकते हो यहाँ पे उसका टूटा हुआ है। एंड मैंने मतलब मेरा फ़ोन ख़राब करके ले गया, लेके आया ना मेरा भाई ने, इसलिए मेरे को गुस्सा आया, मैंने सब तोड़ दिया, एकदम ख़त्म कर दिया, मैंने उस बागान पे फेंक के रखा है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको मैं घुमाने के लिए ले जाना जयपुर बुद्धिस्ट टेम्पल दिखाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं।
सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करियो एंड गाइस सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा से एक कमेंट करना एंड अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करियो यार, सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, कमेंट तो ज़रूर करना अच्छा लगा है या बुरा लगा है मुझे बोलना और मेरे गलतियों को बोलना जिससे कि मैं सुधर के और मोटिवेट हो सकूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।